अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चल रहे 23 मार्च से 31 मार्च तक कर्फ्यू दौरान स्कूल बंद रहने की वजह से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील तहत राशन उनके घरों तक पहुंचाने व उनके खातों में पैसे डालने की बात कही गई थी, जिसके तहत शहर गिद्दरबाहा अंदर भी बने सरकारी सीनियर से एक दरी स्कूल लड़कियां में पढ़ती 434 छात्राओं के लिए पिछले करीब 4 दिन पहले 26 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूँ व चावल पहुँचे, जबकि विभाग से सही तालमेल नहीं होने की वजह से छात्राओं को राशन नहीं पहुंचाया जा सका। 150 देनी है सर, 8वीं जेडे क्लास दे बच्चे है जी, उन्हां नूं देनी असी 600 ग्राम कणक ते 750 ग्राम चावल 9 दिनां दा। ठीक है, 434 बच्चे जो स्कूल पढ़ते है वंडन लई चावल कणक है करने की थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको तोल के उसकी सीलिंग करके उसकी पैकिंग करनी है और उस तो बाद जो राशन कुल राशन जो 26.5 क्विंटल की वंड की जानी है उसको कैरेज करने जो है वो साधन मुहैया जरा नहीं हो रहा साढ़े को अभी फिलहाल, इस करके अज की डेट तक उसको अजे पेंडिंग किया हुआ है। जो कि लोड़ तो बच्चों अज है जी, फिर यह राशन क्यों नहीं दिता जा रहा जी, फिर राशन का फायदा की आता सर? सर राशन का इस तरह कि साढ़े को वैसे इस राशन पहुंचने अजे 4 दिन ही हुए हैं, बाकी बहुत थां ते अजे राशन पहुंचे भी नहीं है और थोड़ी गल सही है बिल्कुल कि राशन की जरूरत आज ही है, पर जो दिक्कतां ने उसनों वंडन दे विच क्योंकि असी जिहड़ा राशन है बहुत घट है बच्चों लिए 1 किलो 800 ग्राम चावल 1 किलो 800 ग्राम कणक जी दी जानी और कुछ बच्चों तो बहुत थोड़ा राशन 600 ग्राम कणक और 750 ग्राम चावल दिता जाना है, इस करके कुछ समाजिक दिक्कत भी ने सानू उन्होंने वंडन दे विच कोई पैसे भी देने सी बच्चे? हाँ जी हाँ जी, पैसे बैंक के खाते राही 161 रुपए जिहड़े है बच्चे के खाते च जाने हैं और कुछ बच्चों के खाते च सिर्फ 60-65 रुपए के करीब जाने, जो 9 दिन के बच्चों को जाने हैं साढ़े को 8वीं जमात के जो 150 बच्चे उन्होंने को खाते जाने। सर डिपार्टमेंट में इस संबंधी सूचित किया गया डिले बारे जो भी है? नहीं डिपार्टमेंट नूं डिले बारे नहीं, पर डिपार्टमेंट नूं जिहड़ी साडी दिक्कत है उन्हां बारे असी कीता है सूचित कीता है, फोन ते भी गलबात हुंदी रहिंदी है और जिन्नी जल्दी होएगा असी उस नूं उन्हां दिक्कतां दूर करके ते जल्दी अनाज डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। सर 4 दिन हो गए हैं, आने वाले किन्ने दिनों च मतलब लगभग ये वंडे जाता है? 450 बच्चे नूं वंडना है ते लगभग सानूं लगदा है कि इहदे लई सानूं 4-5 दिनां दा समां चाहीदा वंडन वास्ते। तुसीं सर गल करदे सी प्रोपर एड्रेस भी है नहीं स्कूल वेले जदों आपां एडमिशन करदे आ प्रोपर आधार कार्ड जां कुछ लैंदे आ उह कुछ नहीं हैगा तुहाडे कोल? नहीं, उह रिकॉर्ड साडे कोल सारा हैगा पर जिहड़ा साडा असीं अपडेट करदे आ ई पंजाब दे उत्ते जिहड़ा प्रोपर जिहड़ा एड्रेस है जिहड़े बच्चों के एड्रेस दिते होए जां आधार कार्ड दे उत्ते एड्रेस है जिस तरह लिखा होया कि उहदे उत्ते पिंड गिद्दड़वा नंबर बंद हो चुके हैं पेरेंट्स जो चक नहीं रहे बहुत तरह की दिक्कत ने लगता पॉलिसी होर अपनानी चाहिए सरकार ने? सरकार की पॉलिसी बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने और बच्चों अनाज जो बनना वो सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होना। सर खातों में जो पैसे ट्रांसफर करने भी कोई दिक्कत आ रही है जी? हाँ खातों के पैसे ट्रांसफर करने की सब तो बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बहुत सारे बच्चों के खाते जोड़े है वह ट्रांजैक्शन ना होने करके फ्रीज हो चुके हैं और फ्रीज होने करके जी खाते पेमेंट जी जा भेजने दिक्कत है और कुछ बच्चों के खाते जो है खुले भी नहीं हुए जो जनरल बच्चे ने उन्होंने खाते भी नहीं है बैंक के प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट वालों कोई टाइम लिमिट नहीं? सर टाइम लिमिट कोई नहीं है डिपार्टमेंट वालों अजे तक सानू इस तरह की कोई हदायत आई नहीं है संबंध में। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।